सही है मारियन। और आज मैं आप लोगों को हाउ टू डाइजेस्ट फूड यानी भोजन कैसे पचता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मुंह यानी माउथ, माउथ से हम लोग खाना खाते हैं। जब हम लोग माउथ से खाना खाते हैं तो दांत की सहायता से खाना को छोटे छोटे टुकड़े में कर देते हैं। जब छोटे छोटे टुकड़े में कर रहे होते हैं यानी सलाइवा यानी लार हम लोग के छोटे 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 टुकड़े किए गए फूड में मिक्स हो जाता है। जब मिक्स हो जाता है तो खाना सॉफ्ट एंड सुन जाता है। इससे हम लोग को इजिली फूड पाइप से निकल सकते हैं। जब हम लोग फूड पाइप से निकलते हैं तो जाता है स्टोमक में। स्टोमक में एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग के खाना को लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देता है। जब लिक्विड फॉर्म में चेंज करता है तो आगे बढ़ता है, खाना मिलता है लीवर में। ये लीवर खाना को डाइजेस्ट कर देता है। ये अब जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन खाना को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है यानी हेल्दी फूड और अनहेल्दी फूड। ये हेल्दी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और अनहेल्दी फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। अब इतना सा प्रोसेस होने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा।